पुलिस वाले खड़े हैं क्या आज? रोकेंगे? एक पुलिस वाला तो यहाँ जानता है, रोका ही नहीं। सर बढ़िया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। लेडीज को अप्रोच करेंगे एंट्री लेने के लिए सिंगल स्टैग। यार जो सिंगल मेल स्टैग्स होते हैं ना, वो अलाउ नहीं करते हैं, सिर्फ कपल के साथ ही अलाउ करते हैं। देखो अभी हम जहाँ पे है ना, अभी हमें एग्जैक्टली सेम एम हाउस के बाहर, ये देखो सामने, यही है ना एम हाउस का गेट, देख तो ना मेरे ब्लॉग में, ये देखो दिख रहा है। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं की, जा रहे हैं हम छाबी की वाले क्लब में जा रहे हैं, की नाइट क्लब। मैं मजाक में ऐसे की बोलता हूँ भाई। तो अभी हम जा रहे हैं, तो पहुँचेंगे पहले तो उसको हम पेट्रोल डलाएंगे। और यहाँ मैं किसी दोस्त से मिलने आया हुआ था मैकडी में, घूम रहे थे बेसिकली। घूमना बंद हो गया, मतलब वो चला गया अपने घर पे। हमने कहा चलो अब हम की जा रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत दिन हो गए मैं की नहीं गया। और वहाँ का जो जीएम साहब है वो थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं कि भाई साहब आपके दर्शन नहीं होते हमारे क्लब में, चक्कर क्या है? कोई बात नहीं, अभी करवा देंगे दर्शन। ऐसे मैं अक्सर उनसे मजाक में बोल देता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ी सी बकचोदी करेंगे, बकचोदी के बाद घर चले जाएंगे। यही होता है मेरे व्लॉग में, होता क्या जनरली, बस मैं एंट्री चार्जेस बता रहा होता हूँ या कभी कभी वो भी बताना भूल जाता हूँ बस। ये देखो आप, जनरली मैं आपको लेट नाइट दिखाता हूँ, बंद हो रहा है, खत्म हो रखा सब, ये एरिया बंद हो रखा होता है। आज हम थोड़ा सा जल्दी आ गए, तो हमने कहा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दिया जाए, इसके दर्शन भी करा दिए जाए दिन के, मतलब थोड़ा सा। अभी 9 ही बज रहे हैं, 12:48 हो गए, तो मैं कहा इसके दर्शन करा लिए जाए। अंकल जी आ गए जो डालते हैं पेट्रोल। 2000 रुपये का डाल देना, 2000 का नॉर्मल पेट्रोल, नॉर्मल। खा मैंने ब्रेक लगा रखी, जबकि मैंने हैंड ब्रेक लगा दी पहले ऑलरेडी। देख लिया जीरो, डालो डालो डालो, पेटीएम लेके आ जाना। लड़ाई हो गई। कभी कभार ना पेट्रोल पंप वाले उल्टे उल्टे जो अभी बंदे लड़ रहे हैं ना, उन्होंने पी रखी है बेसिकली, और चक्कर नहीं बस। और जब उन्होंने पी रखी होती है ना भाई, ये ऐसे होते हैं, वो कह रहे हैं हम आप तुम्हारी उम्र का लिहाज करें, गर्दन वर्दन पकड़ ली लिहाज करते करते। भाई ये कैसा लिहाज था यार, गर्दन भी पकड़ ली, सब कुछ काम कर ली, पीटने को मार तो उतारू के, बस जब कुछ छुड़वाने आ गया उम्र का लिहाज कर रहे हैं। अगर छुड़वाने होता तो पेल देते वो। हद हो गई यार आदमी की ना, कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसा उम्र का लिहाज था समझ नहीं आया। हो गया भैया डाल दो। आपसे हुई थी ना, क्या कह रहे थे वो? सर ऐसा हुआ, हाँ ये बोले तेल डालो, हाँ 750 का, ठीक हाँ, है हाँ। तो मैंने कहा सर पेटीएम पहले कर दो अगर कहना, हाँ। तो अच्छा पहले करवा दिया, हाँ। तो गलती ये हुई कि मैंने जीरो दिया, तो उसके बाद जा दिए, उसके बाद मैंने कहा सर, बोले बाद में जीरो नहीं देखा, मैंने कहा सर गलती हो गई, ठीक है आप गलती हो गई मान लीजिए हम गलती। उसके बाद करें मैनेजर कौन है, मैंने कहा सर रात में मैनेजर नहीं सुबह मैनेजर है, पहले इस पर्चे पर साइन करवा दो, मैंने कहा सर मैनेजर ने कहा साइन करवा, तो जब तक दूसरा बोला तेल डाल दो, तो मैंने कहा सर अगर आप फालतू बात करते रहोगे तो तेल हम कैसे उसमें डालेंगे, तो वही बात देखें करें मैनेजर साइन करो, एक हुआ हो गया एक। तो ये कहानी है भाई, इन्होंने जीरो नहीं दिखाया बस, वो इस बात पर चढ़ने लग गए बस। और भाई बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो बस मौका देखते हैं कुछ लड़ाई करने का, स्कैम करने का, कि अब हमें पैसे दो, तुमने तो पेट्रोल डाला ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, इवन मेरे साथ भी हुआ है भाई, न्यू ईयर के टाइम पे जब मैं सनबर्न के पास से सेल करता था ना, तो मेरे साथ तो भाई 1.5 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया था। फ्रॉड ऐसे लेके भाग गए थे मेरे 1.5 लाख रुपए गाड़ी में से निकाल के,
सनबर्न की टिकट सेल करता था, बारह खंबा रोड पे मैं खड़ा होता था उस टाइम पे, तब की बात है ये। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई कि लोग शरीफ ही होते हैं, कुछ लोग बदमाश भी होते हैं भाई, इसका फ़ायदा उठाते हैं और दुखी करते हैं फालतू के लोग। क्या छोड़ो, हमारा काम क्या है, अब हम जा रहे हैं। चेकिंग हो रही है भाई, टॉर्च डाल डाल के चेक करते हैं, टॉर्च डाल डाल के बंदा कुछ पी तो नहीं रहा। पीछे वाले बैरिकेड पे तो बिल्कुल भी चेकिंग नहीं थी। हमको जान दिया भाई, हमें तो ना रोका इन्होंने, इन्होंने कहा जाओ बेटा तुम मौज लो, तेरे पास कुछ भी नहीं सकता, ना देने लायक ना लेने लायक। हाँ ठीक है जी, अभी चलते। यार देखो क्या सीन है ना, देख तो पसीने कितने आ गए, बारिश बंद होगी, ह्यूमिडिटी स्टार्ट होगी। और सीन क्या है ना भाई, जनरली मैं उन्हें डेली ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाता घर के भी आज अपने डेली लाइफ के ना, क्योंकि भाई क्या ही देखोगे, क्योंकि आप लोगों को नाइट लाइफ वाले ब्लॉग देखना अच्छा लगता है इंस्टेड ऑफ मेरे डे वाले ब्लॉग देख के। और भाई इन तीन चार दिन तो ना मैं बेड पर गिर गया भाई, मतलब मैं सोचा था कि जब 15 अगस्त वाले टाइम पे मैं आपको कुछ अपडेट दूंगा। 15 अगस्त के मतलब गेट जस्ट स्टार्टेड गाइस, द एंट्री जस्ट स्टार्टेड। हेलो मिस्टर विनोद सीनियर। हेलो मिस्टर आर्यन, हाउ आर यू माय मिस्टर ब्लॉगर। ओह माय गॉड भाई, स्टार्ट स्टार्टेड आर्यन, एंट्री स्टार्ट है क्या? हाँ जी एंट्री स्टार्ट है। इट जस्ट स्टार्टेड गाइस, द नाइट स्टार्टेड हो गई है, ठीक है, बस एडवांस स्टार्ट हो गई। अभी टाइम तो कुछ खास हुआ नहीं है, ये देखो 12:15 और ठीक है। गेट स्टार्ट हो गया और अभी कोई सिक्योरिटी गार्ड देख लेगा ना सम्राट का, यहाँ व्लॉग मत बनाओ, बाकी कुछ भी कर लो। पहले सिंगल लेडीज की एंट्री फ्री होते हो भाई, फ्री हो क्लब गो ऐप के थ्रू। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ भाई, जो की नाइट क्लब है, अगर आप लोग मेट्रो से आना चाहते हैं, वैसे तो मेट्रो से आप आ नहीं पाएंगे क्योंकि जब तक मेट्रो आएगी तब तक मेट्रो बंद हो जाएगी, जब तक क्लब ओपन होगा। तो लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट, जब तक ये क्लब खुलेगा तब तक तो मेट्रो बंद हो जाएगी, बट जब तक क्लब बंद होगा तब तक मेट्रो चालू हो जाएगी, ये बात तो है भाई। तो आप मेट्रो से जा तो सकते हो बट आप आ नहीं सकते मेट्रो से, अगर आप लेट नाइट तक पार्टी करते हो तो मेट्रो से आप जा सकते हो घर पे, अगर आपने पीना रखी हो तो, क्योंकि ज़्यादा पियो लोगों को मेट्रो में घुसने नहीं देते, ऐसा मैंने सुना है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ भाई। सीन चल रहा है इस पर्दे के पीछे, एंट्रीज हो रही हैं, देखो बसड़ चल स्टार्ट हो गई है, मतलब एंट्री स्टार्ट हो गई, बसड़ वर्ड यूज़ करता हूँ थोड़ा अच्छा ही लगता है, बट ये मुँह पर चढ़ गया बसड़ वर्ड मेरे। यार जो सिंगल मेल स्टैग्स होते हैं ना वो अलाउ नहीं करते हैं, सिर्फ कपल के साथ ही अलाउ करते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है भाई, पता तो है बट मैं बताऊंगा तो आप लोग मानते नहीं हो भाई। लड़कियों को छेड़ते हैं, दारू पीने के बाद लड़ाइयाँ करते हैं, बट जब बंदा लड़कियों के साथ होता है ना तो लड़ाइयाँ कम करता है, लड़कियों को नहीं छेड़ता, ठीक है, दारू पीने के बाद भाई। लोग तो शादी ब्याह में पता नहीं क्या क्या काम कर देते हैं, चक्कर में लोग बचते इन चीज़ों से, क्लब वाले लोग बचते इन चीज़ों से, इसलिए एंट्री नहीं देते भाई, सिंगल स्टैग्स को अवॉइड करते हैं। और ये एक बड़ा सीन है भाई, और ये मुझे ठीक लगता है भाई, लोगों को लगता है ऐसा कुछ नहीं है। और भाई देखो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, मैं ड्रेस कोड की बात नहीं कर रहा, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, अगर आप प्रेजेंटेबल ठीक से नहीं हो तो भाई एंट्री नहीं होती। और ये डिफाइन करता है भाई आप किस तरीके से रहते हो, आपका रहन सहन कैसा है, अगर आप प्रेजेंटेबल होते हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, ठीक है, कुछ भी स्कूल हो भाई, सबके अंदर ड्रेस बताई जाती है भाई इस तरीके से रहो। कई लोग क्या होते हैं भाई, प्रॉपर मतलब ड्रेस पहन के आते हैं बट क्या होती है, गंदी होती है, ठीक है, टक नहीं करी हुई होती, प्रेस नहीं होती, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं भाई। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लिए और एंट्री हो जाती है, ऐसा भी कुछ नहीं है, आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए,
क्लब पे, ठीक है। जैसे स्कूल के अंदर कुछ लोग होते थे ना, मतलब भाई वाइट ड्रेस पहन के आए बट वो गंदी है, शूज़ गंदे हैं, तो ये बड़ी मैटर करती है क्लब के अंदर भी। भाई दिल्ली के अंदर तो ये कल्चर है भाई, मेरा खुद का क्लब नहीं है ना मेरा खुद का कोई कल्चर बनाया हुआ है, ये कल्चर ही है ऐसा नाइट लाइफ दिल्ली के अंदर कि लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं क्लब के अंदर। और कुछ लोग करते हैं भाई क्यों नहीं अलाउ कर रहे, क्या हो रहा है भाई। सपोज़ एक बहुत अच्छा बंदा, बहुत अच्छा बंदा कह रहा हूँ भाई, वो ठीक ठाक बन के आया हुआ है, उसका बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, कोई अपने ऑफिस के अंदर उसका प्रमोशन हुआ वो सेलिब्रेट करना है वह क्लब के अंदर, और वो देख रहा है यार लोग यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, वेल प्रेजेंटेबल नहीं है, अच्छे नहीं लग रहे, लोग मिसबिहेव कर रहे हैं क्लब के अंदर, तो भाई फिर लोग क्लब में आना बंद कर देते हैं ऐसे लोग। तो इस चीज़ों को मेनटेन करने के लिए भाई ये लोग फॉलो करते हैं इस कल्चर को, ताकि सीन बढ़िया रहे क्लब के अंदर। नहीं बता दे भाई बहुत अच्छा बंदा है, और इस जैसा बंदा नहीं देखा मैंने, और जैसा नहीं भाई बहुत अच्छा बंदा है, इस जैसा बंदा नहीं देखा मैंने, और मैं इसको क्लब इंडस्ट्री में मिला हूँ, पर वाकई में गेस्ट लिस्ट में नंबर वन। क्लब में आप कभी किसी भी क्लब में जाएंगे, वैसे इसने पी नहीं रखी, तारीफ तो सही कर रहा है वैसे। किसी भी क्लब में जाएंगे आप भाई का नाम लेंगे तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, नंबर वन मतलब नंबर वन गेस्ट लिस्ट में। सर आपको नाम लेना है और कुछ नहीं करना है, आपको गो थ्रू एकदम कहेंगे यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, जेन्युइन पर्सन, थैंक यू सो मच। ये झूठी तारीफ कर रहा है, विश्वास मत करना यार। नहीं सच्ची तारीफ कर रहा हूँ यार, झूठी तारीफ नहीं करता मैं, झूठी तारीफ करके क्या मिलेगा मेरे को, है ना, झूठी तारीफ करके कुछ नहीं मिलता। थैंक यू भाई की झूठी तारीफ, थैंक यू, जो चीज़ है फैक्ट है। थैंक यू, हम झूठी तारीफ नहीं करते, हम सीधी बोलते हैं सच्चाई है जो सच्चाई है, और जिसको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है तो मत करो। इमोशनली हो गया यार ये तो। थोड़ी जस्ट स्टार्टेड गाइस, सीधा बसड़ है ना, ये जो स्टैग्स आप देख रहे हो ना रोके हुए आए हुए थे रोक दिए, उनका भाई नहीं है स्टैग्स की एंट्री, नहीं है एंट्री स्टैग्स की। जो अक्सर मैं बोलता हूँ लेडीज़ को अप्रोच करेंगे एंट्री लेने के लिए सिंगल स्टैग्स, और वो क्लब वालों को पता है क्योंकि तुम तो वाइस टैग्स आए थे, अब तुम सिंगल लड़कों को अप्रोच करोगे तो एंट्री कहाँ से होगी। तो आपने देखा है ना ये बस 10-5 मिनट का खेल होता है, क्लब जो बाहर जो भीड़ होती है ना, जैसे गेस्ट लिस्ट बंद होती है उसके बाद सारा गेट खाली हो जाता है एकदम अचानक, ऐसा लगता है पता नहीं कहा आंधी से आई थी और आंधी का सब खाया खत्म हो गया। अपनी राइड तो आज ही ख़त्म होगी और अभी हम जा रहे हैं घर की साइड, और फिर से हम रिपीट कर देते हैं भाई, सिंगल स्टैग्स आज अलाउ नहीं थे भाई, बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे, रीज़न वही है लड़ाई कर देते हैं। और आज जो हमारे जीएम है ना की के, वो यार आज खड़े हुए थे स्पेशली आज मतलब गेट पे, और ताकि कोई जो एंट्री कराने वाले होते हैं जिन्हें सो कॉल्ड एजेंट भी बोलते हैं, कोई प्रमोटर बोलता है, कोई ऑर्गेनाइज़र बोलता है, जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं प्रमोटर होते हैं एजेंट होते, जो एंट्रीज कराते हैं ना वो स्टैग्स की एंट्रियाँ करा देते हैं लड़कियों को मिला के पैचअप करा के, तो उनको पुलिस वाले खड़े हैं क्या आज रोके हैं, एक पुलिस वाला तो यहाँ जानता है, रोका ही नहीं किसी, रोक लिया। क्या हाल है जी? सर बढ़िया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। रिकॉर्डिंग करते घूम रहे हो आप भी हैं? नहीं मतलब क्लब के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। थैंक यू सर। रोक लिया उन्होंने तो, ऐसा सीन था भाई, तो गेट मैनेजर जीएम साहब खड़े हुए थे, उन्होंने भाई आज नहीं जाने दिया किसी को, उन्होंने बोला भाई स्ट्रिक्टली ये स्टैग्स की एंट्री नहीं है किसी की भी, चाहे आप कैसे मर्जी कर लो पे करके ही जाएंगे। कुछ लोग होते हैं भाई जो लड़कियों को मिला के करवा देते हैं एंट्री, और वो रिस्की हो जाता है बाद में, कई मिस हैपनिंग ऐसी हुई है, कंप्लेंट्स हुई हैं कि वो लड़का छेड़ रहा था, लड़कियां कंप्लेंट कर देती हैं, पुलिस को बुला लेती हैं फ़ोन करके, मिसबिहेव होता है जब, तो क्लब वाले बचने इस चीज़ से बचने के लिए ना भाई थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया, क्या हादसा क्या हो गया।
पुलिस वाले हमारे इधर अपोजिट थे, बस यही था। और लोग घूरते हुए जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। और भाई मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, अगर आप चाणक्यपुरी में आ रहे हो पार्टी करने की नाइट क्लब में सम्राट के अंदर, तो भाई ये एरिया ना दिल्ली का सबसे पोश एरिया में काउंट करते हैं भाई। यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, आप यहाँ पर गाड़ी के अंदर दारू पीते हुए भी आपको पकड़ लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाके पे ही ऐसा है कि आप पुलिस वालों का नाका लगा हुआ है और आप वहाँ पे जाओगे तभी रोकेंगे, नहीं 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 नहीं, आप चलती गाड़ी में भी आपको रोक लेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाता है इस गाड़ी के अंदर लोग दारू पी रहे हैं, ठीक है, उनको पहले से पता चल जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ PCR यहाँ घूमती रहती हैं, मतलब चलती रहती हैं, मतलब हर जगह ही रात को गाड़ियाँ PCR रूट पर होती हैं, पर एक छोटा सा एरिया है और यहाँ और जगहों से ना पुलिस की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो भाई एम्बेसीज बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ना आप थोड़ा सा अवॉइड किया करो गाड़ी के अंदर दारू पीना। वैसे तो भाई गाड़ी में दारू पीनी नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।